वेलकम टू सोशल। हमने इंडियन सिनेमा में कई ब्रिलियंट कोर्टरूम ड्रामा फिल्म्स देखी है। ये एक ऐसा जॉनरा है जो कि ऑडियंस में हमेशा से काफी पॉपुलर रहा है, बिकॉज फिल्म्स लाइक दीज नॉट ओनली एंटरटेन पीपल बट दे ऑल्सो टेल अ लॉट अबाउट आवर सोसाइटी। इस वीडियो में हम आपको इंडियन सिनेमा की टॉप 10 कोर्टरूम ड्रामा फिल्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं। लेट अस टेल यू कि ये एक स्पेशल हैंड पिक लिस्ट है बाय टीम सोशल, जहां पर हमने ओवर द टॉप से लेकर रियलिस्टिक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म्स को सिलेक्ट किया है। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंस। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक जरूर देखें। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। नंबर 10, सेक्शन 375। सेक्शन 375 एक बहुत ही अनयूजुअल कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी जो कहीं ना कहीं हमें हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताती है। फिल्म का प्लॉट अंजलि नाम की एक लड़की के अराउंड रिवॉल्व करता है जो कि एक फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर को रेप के लिए एक्यूज करती है। एज अ केस गोज टू कोर्ट, हम फिल्म में एक्टर्स अक्षय खन्ना और रिचा चड्ढा को लॉयर्स के कैरेक्टर्स प्ले करते देखते हैं। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो बिना बायस्ड हुए हर चीज को बहुत ही नुआंस्ड वे में प्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ एक्टर्स अक्षय खन्ना और रिचा चड्ढा ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी है दैट मेक्स द फिल्म इवन मोर एंगेजिंग। दिस केस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ वुमन यूजिंग एज अ वेपन द वेरी लॉ दैट वाज मेड टू प्रोटेक्ट हर। नंबर 9, शौर्य। 2008 में रिलीज हुई फिल्म शौर्य एक हार्ड हिटिंग कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी जो कि फेमस प्ले कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड है। फिल्म में हम एक आर्मी ऑफिसर का कोर्ट मार्शल होते देखते हैं क्योंकि उसने अपने सीनियर ऑफिसर का मर्डर कर दिया होता है। शौर्य फिल्म का सबसे बड़ा हाई पॉइंट था इसकी कास्ट, जहां पर हम टैलेंटेड एक्टर्स लाइक के मेनन, राहुल बोस, दीपक दोबरियाल और पवन मल्होत्रा को एक्टिंग करते देखते हैं। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, बट ओवर द इयर्स फिल्म मासेस में काफी पॉपुलर हो गई है, वेयर पीपल प्रेज इट फॉर इट्स स्टोरी टेलिंग एंड परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा, इनको खत्म करूंगा मैं। नंबर 8, मुल्क। अनुभव सिन्हा डायरेक्टेड फिल्म मुल्क एक हार्ड हिटिंग कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी जिसका प्लॉट इस्लामोफोबिया के बारे में बात करता है। हम फिल्म में एक मुस्लिम फैमिली की स्टोरी देखते हैं जो कि टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में फंस जाती है और इसी वजह से उनको एक कोर्ट केस फाइट करना पड़ता है। द बेस्ट थिंग अबाउट मुल्क इज दैट इट शोज रियालिटी एज इट इज विदाउट एनी एग्जैजरेशन और फेक पोर्ट्रियल। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका, और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। नंबर 7, जनगण मन। रिसेंटली रिलीज फिल्म जनगण मन एक आउटस्टैंडिंग लीगल ड्रामा फिल्म थी जहां पर हमने एक्टर्स पृथ्वीराज और सूरज को लीडिंग रोल प्ले करते देखा था। फिल्म काफी हिस्टोरिक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर थी और मेकर्स ने इन सारे ही इवेंट्स को स्क्रीन प्ले में बहुत एफर्टलेसली रिक्रिएट किया था। जनगण मन एक कोर्टरूम ड्रामा होने के साथ एक पॉलिटिकल थ्रिलर भी थी जिसकी वजह से फिल्म में काफी सिंबोलिज्म और लेयर्स थी। इसके साथ साथ ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल ऑन पॉइंट थी दैट मेड द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म मोर रिलेटेबल फॉर द ऑडियंस। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। Instant tea, instant coffee ennaka parayunnathu pole. Instant justice. Number 6, Pink. Pink ek thought provoking film hai jo ek bahut hi important issue ke bare mein baat karti hai. The plot of the film revolves around an unfortunate incident jahan teen ladkiyon ke sath kuch ladke misbehave karte hain. बाद में एक कोर्ट केस देखने को मिलता है जहां कंसेंट वर्सेस नॉन कंसेंट के बीच डिबेट चलती है। द राइटिंग बाय सुजीत सरकार इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जहां उन्होंने इस वर्ल्ड को बहुत ही रियलिज्म और अंडरस्टैंडिंग के साथ दिखाया है। वी वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि पिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है क्योंकि वो कंसेंट जैसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। आप भी हमें बताएं कि आपको पिंक कैसी लगती है। डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। नंबर 5, जॉली एलएलबी।
क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से एलएलबी की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। ये पीआईएल डाल दी आपने है? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर। जॉली एलएलबी एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी जहां पर हमने एक्टर्स अरशद वारसी, बोमन ईरानी और सौरभ शुक्ला को लीडिंग रोल्स में देखा था। फिल्म का प्लॉट जॉली नाम के एक लॉयर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे एक कोर्ट केस उसकी पर्सनालिटी को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देता है। वी सी कि स्टार्टिंग में अपने प्रोफेशन को लेकर वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है, मगर जब उसे एक हाई प्रोफाइल केस फाइट करने का मौका मिलता है, ही बिकम्स अ डिफरेंट पर्सन ऑल्टुगेदर। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसकी रियलिस्टिक राइटिंग, जहां पर डायरेक्टर सुभाष कपूर ने हर एक कैरेक्टर को बहुत ही नुआंस्ड वे में प्रेजेंट किया है। इसके साथ साथ तीनों लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल ऑन पॉइंट थी, स्पेशली सौरभ शुक्ला की जो कि फिल्म में जज का रोल प्ले करते हैं। हिज कैरेक्टर बिकेम रियली पॉपुलर विद द ऑडियंस और बाद में उनको इस रोल के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। आप भी हमें बताएं कि आपको जॉली एलएलबी फिल्म कैसी लगी थी। तुम गवाही दो या ना दो, मैं तो सच ढूंढ के निकालूंगा। Who is this Jolly? He is nothing. He is nobody. मोहन जोशी हाजिर हो एक क्लासिक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसे फेमस डायरेक्टर सैयद अख्तर मिर्जा ने बनाया था। फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सटायर था इंडियन लीगल सिस्टम पर, जहां पर एक केस कई सालों तक चलता रहता है और इनोसेंट लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता। हम फिल्म में लेजेंडरी एक्टर्स नसरुद्दीन शाह और सतीश शाह को लॉयर्स के रोल में देखते हैं। फिल्म एक लैंडमार्क फिल्म है बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स टू शो द जस्टिस सिस्टम एज इट वॉज। 3 महीने का वक्त तो बहुत ज्यादा है। बीमारी भी उतनी ही ज्यादा है। आप साबित कीजिए उन्हें बीमारी। आप साबित कीजिए उन्हें बीमारी नहीं है। कौन सी बीमारी? बवासीर, पाइल्स। नंबर 3, शाहिद। हंसल मेहता डायरेक्टेड फिल्म शाहिद एक बायोपिक फिल्म थी ऑन द ह्यूमन राइट्स लॉयर शाहिद आजमी, जिनका रोल फिल्म में एक्टर राजकुमार राव ने प्ले किया है। हम फिल्म में देखते हैं कि कैसे शाहिद उन लोगों के लिए केस लड़ता है जिनको फेक चार्जेस के अंडर जेल में डाल दिया जाता है। लेट अस टेल यू कि ये एक बहुत ही बोल्ड फिल्म थी, क्योंकि शाहिद एज अ लीड कैरेक्टर उन लोगों के लिए केस लड़ता है जिनको सोसाइटी एक सस्पिशन की नजरों से देखती है। अ लॉट ऑफ क्रेडिट शुड गो टू हंसल मेहता फॉर टेकिंग अप अ सब्जेक्ट लाइक दिस एंड मेकिंग द फिल्म विद अटमोस्ट ऑनेस्टी। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि शाहिद जैसी फिल्म की आज उतनी बात नहीं की जाती है। वी वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म इफ यू हैवंट। आपने काफी समय बिताया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, है ना? Are you accusing me? नंबर 2, जय भीम। 2021 में रिलीज हुई तमिल फिल्म जय भीम एक इम्पोर्टेंट कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी। फिल्म एक तरह से फेमस एडवोकेट और जज जस्टिस के चंद्रू की लाइफ के एक क्रूशियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। हम फिल्म में सुपरस्टार सूर्या को जस्टिस चंद्रू का कैरेक्टर प्ले करते देखते हैं, जो फिल्म में एक अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी का केस फाइट करते हैं। जय भीम का स्क्रीन प्ले इतना पावरफुल है दैट इट एंगेजेस यू फ्रॉम द फर्स्ट सीन टिल द वेरी एंड। वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट एज इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग कोर्टरूम ड्रामास एवर मेड। मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है, दैट्स ऑल। बिफोर गोइंग टू द नंबर 1 फिल्म, हियर आर सम स्पेशल मेंशंस। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। देखिए, आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम यहाँ किसी की जिंदगी का फैसला करने बैठे हैं, जो यूं ही 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हम गलत हो तो? नेरों कालों विधि एल्लात्युमें नंबर किन्ना नंबर है किन्ना ना पायें लल्ल ये अंधा कानून है। नंबर 1, कोर्ट। चैतन्य तम्हाने डायरेक्टेड फिल्म कोर्ट एक मास्टरपीस लीगल ड्रामा फिल्म है। इट इज वन सच फिल्म जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ काफी टाइम तक रहती है। हम फिल्म में एक फोक सिंगर की कहानी देखते हैं जिसके ऊपर एक कोर्ट केस हो जाता है। फिल्म की सबसे स्पेशल बात यह है कि फिल्म बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है और ये आपको इंडियन जस्टिस सिस्टम की रियलिटी दिखाती है। वी वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म एज दिस इज इजीली द बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा फिल्म एवर मेड इन इंडियन सिनेमा। सफाई कामगारांनो, आपण सगळे गटारात गुदमरून जीव देऊया, या विषयावर त्या दिवशी तुम्ही कुठलं गाणं गायलं होतं का? नाही। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी फेवरेट कोर्टरूम ड्रामा फिल्म कौन सी है।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं.